हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो वीडियो है वो खीर गंगा, जिसे हम पार्वती वैली के नाम से जानते हैं, आज का वीडियो उसी पर होने वाला है। अभी तक मैंने आपको जितने भी प्लांट्स दिखाए होंगे वो दिल्ली एनसीआर या जो नर्सरीज में मिलते हैं वो प्लांट्स आपको दिखाए हैं। आज का जो वीडियो है वो प्लांट्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो कि पहाड़ों पर होता है और बहुत रेयरली देखने के लिए मिलता है। तो ये सारे प्लांट्स आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ अपने इस वीडियो में। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है AKS Blogs, जिसमें मैं अपना ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ, अपलोड करता रहता हूँ। रिसेंटली मैं अभी खीर गंगा ट्रैक, जिसे जो कि कसोल के पास है, मैं वहाँ गया था और वहाँ से अभी वापस आया हूँ और वीडियो एडिट कर रहा हूँ। तो आने वाले टाइम पर आपको AKS व्लॉग पर कई सारे वीडियोज़ ट्रैवल रिलेटेड मिलेंगे और खीर गंगा ट्रैक के बारे में बताऊंगा आपको। तो अभी फ़िलहाल मैं आपसे शेयर करता हूं वो कौन से प्लांट्स हैं जो मुझे रास्ते में पार्वती वैली पर मिला, तो वो मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो के साथ आप बने रहिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, वेलकम टू दिल्ली डूड्स। गाइज़, ये आप देख रहे हैं ना, ये असली कंपोज है, जिसे हम बोलते हैं पत्तों की खाद या फिर लीव मोल्ड जिसे हम बोलते हैं, ये वही है। ये बिल्कुल नेचुरल है। अगर आप इस पे आप लगाते हैं अपना प्लांट, तो आपका प्लांट जो है वो कभी भी डाई नहीं करेगा। आपके देखिए पूरा ऊपर तक भरा पड़ा है जंगलों में, हर तरफ आप देखेंगे लीव कंपोज। ये देखिए, ये एग्जैक्ट लीव कंपोज है, बिल्कुल कोई सॉइल नहीं है, सिर्फ लीव का कंपोज बना हुआ है। हर जगह आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये लीव कंपोज, ये है इंडियन फर्न, बॉस्टन फर्न की तरह ही दिखता है, बट ये इंडियन फर्न है। लोग इसे भी यूज़ कर लेते हैं आजकल, ये भी बिकता है मार्केट में। 400 to 500 रुपीज़ कॉस्ट होता है ये फर्न के मार्केट में, अगर आप बाई करते हैं तो। हर जगह जंगलों में इस तरह से प्लांट्स हो रहे हैं और हम इसे सेल करते हैं मार्केट में हर तरफ। देखिए, ये जितने देख रहे हैं ना, ये इंडियन फर्न है, ये सारे नर्सरीज वगैरह में बिकते हैं और बहुत कॉस्टली बिकते हैं। इस तरह के प्लांट्स भी बिक जाते हैं। ये जितने आप देख रहे हैं ये एरिया पूरा का पूरा बॉस्टन फर्न का है। पत्तों की खाद मैंने आपको दिखाई थी, अब उधर पूरा जितना एरिया है वो सारा भरा हुआ है। ये जितने आप रूट्स देख रहे हैं ना, ये रूट्स, ये सारा का सारा सॉइल को होल्ड करके रखा हुआ है। और ये इनका जो रूट स्ट्रक्चर इतना बड़ा बड़ा होता है कि वो सीधा जाके पार्वती रिवर जो है वहाँ जाके मिलता है। बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ होता है ये इनका रूट स्ट्रक्चर, आप सोच नहीं सकते हैं कितना बड़ा रूट स्ट्रक्चर है। ये आप देख रहे हैं ये रूट स्ट्रक्चर इसका कितना बड़ा है। रूट स्ट्रक्चर देखिए कितना खतरनाक सा है। देखिए पेड़ों के से क्या क्या निकल रहा है। इतना बड़ा रूट स्ट्रक्चर आप सोच सकते हैं, ये करीबन 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर तक इनका रूट स्ट्रक्चर फैला हुआ रहता है और लंबा लंबा। जितने स्टोन्स हैं, जितने मिट्टी है ना, ये होल्ड करके रखते हैं। आप देख सकते हैं ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पेड़ नहीं है, ये इसका रूट है जो इतना हेवी है। तो ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ रहता है, नदी के बिल्कुल साइड तक इनका रूट पहुँचा हुआ रहता है। और हर जगह बारिश के कारण भी बहुत सारा पेड़ वगैरह लग गए हैं इधर साइड में। इस आपको एक पेड़ दिखाने वाला हूँ, आपको दिखा रहा हूँ वो कैसा पेड़ है। और बहुत ही स्ट्रक्चर देखिएगा, देखने लायक है उसका स्ट्रक्चर। ये देख रहे हैं, बहुत ही पुराना पेड़ है और जो इसका रूट स्ट्रक्चर है बहुत नीचे तक गया हुआ है, बिल्कुल नीचे तक गया हुआ है रूट स्ट्रक्चर इसका। और ये देखिए इसकी फॉर्मेशन देखिए, इससे ही मालूम चलता है कि हमें कि ये कितना पुराना पेड़ है। इस पर एलगी वगैरह भी लगे हुए हैं। और इस पेड़ की हाइट दिखाता हूँ आपको,
शायद कैमरा छोटा पड़ जाए इस पेड़ की हाइट दिखाने में। वो देखिए, और ये देखिए साइज देख रहे हैं पेड़ का, फट गया है बिल्कुल, क्रैक्स आ गए हैं इस पर, ये इतना ज़्यादा मोटा हो चुका है। जितने भी पेड़ आप देखेंगे बहुत ओल्ड ओल्ड पेड़ हैं, बहुत पुराने पेड़ हैं ना। ये धतूरे का पेड़ है शंकर जी पर, ये इनके जो फ्रूट्स हैं वो चढ़ते हैं। तो ये देखिए, तो ऐसे फ्रूट्स आपको पेड़ आपको बहुत सारे दिख जाएंगे, वहाँ भी है, वहाँ भी है, हर जगह फैला हुआ है। और भी कई तरह के पेड़ हैं, फ्लावर्स की भी बहुत सारी वैरायटी आपको दिख जाएगी यहाँ पे। सनफ्लावर के जो मिनिएचर वैरायटी होती है वो बहुत है यहाँ पे, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। तो गाइज आप ये जो देख रहे हैं ना, ये तुलसी का पेड़ है, और जिसे हम बोलते हैं वाइल्ड तुलसी। और पूरा जो ये एरिया है सिर्फ तुलसी के प्लांट से ही भरा हुआ है, आप ग्रोथ देख सकते हैं। और यहाँ पर मुझे अपने एक सब्सक्राइबर मिले हैं जो गुजरात से हैं, आइए आपको उनसे मिलवाता हूँ। और मुझे अभी भी मालूम चला कि मेरे कुछ क्या नाम है आपका? मितेन। मितेन भाई हैं जो कि गुजरात से हैं, और ये वन ऑफ द माय सब्सक्राइबर हैं। तो इन्होंने रास्ते में मिले जब मैं ये प्लांट्स के वीडियोस बना रहा था, तो काफ़ी अच्छा लगा। आप इतने पहाड़ों पर आते हो खीरगंगा पे, और आपको ऐसे ऐसे सब्सक्राइबर मिल जाते हैं, दैट्स रियली ग्रेट। ललटाना का नाम सुना होगा आपने, ये माउंटेन्स का ललटाना फ्लावरिंग प्लांट है। ये देखिए, ये पूरा भर जाता है, देखिए पूरा एरिया जो है ये भरा हुआ है। साथ में कुछ वाइट फ्लावरिंग प्लांट है, ये जंगली प्लांट्स है, वाइल्ड प्लांट आप बोल सकते हो। ये फ्लावरिंग प्लांट है, ये फ्लावरिंग प्लांट है, ये सारे के सारे यहाँ इस एरिया में फैले हुए हैं। ये खीरगंगा का ट्रैक कर रहा हूँ मैं, अगर आपको नहीं मालूम है तो खीरगंगा के ट्रैक पर ये सारे प्लांट्स मुझे दिखे, तो मुझे लगा आपसे शेयर कर लेना चाहिए। इतने बड़े बड़े पेड़ हैं जो लैंडस्लाइड के कारण गिर गए, और जितना भी आप बोल सकते हो कि जो भी लैंडस्लाइड होता है उन्हें जो रोकने का काम करता है ये जो पेड़ होते हैं वो करते हैं, और इनके जो रूट स्ट्रक्चर होते हैं वही करते हैं। ब्लू कलर का प्लांट्स हैं यहाँ पे, पूरा एरिया फैला हुआ है, इससे कितना बढ़िया लग रहा है। सारे जंगली प्लांट्स हैं बट दे लुक सो गुड। ये देखिए भरे पड़े इतने अच्छे अच्छे पौधे। तो गाइस आप देख सकते हैं कितने सारे अलगी उगे हैं, जिसे हम काई बोलते हैं, और स्टोन्स पर यहाँ पर जमे हुए हैं। तो बहुत पुराने पुराने अलगीज हैं यहाँ पे, ये देखिए पूरे स्टोन्स पर अलगी जमा हुआ, और स्टोन्स का स्ट्रक्चर देखिए कितना सही सा है, कितना बड़ा है। गाइज ये जो देख रहे हैं आप, ये जंगली शो प्लांट है, और बहुत ही हेवी है। अब ये यूज़ होता है प्लांट डेकोरेशन वगैरह वगैरह यूज़ होता है, जब हम यूज़ करते हैं गुलदस्ता वगैरह जब हम बनाते हैं तो उसमें ये प्लांट्स यूज़ होते हैं। और पूरा यहाँ पर बड़ा पड़ा है, और इस साइड मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये जो एरिया ये पूरा पूरा तुलसी है। ये जो देख रहे हैं आप धतूरे का पेड़, ये भी भरा पड़ा है इधर। ये जो गाइस देख रहे हैं ये सनफ्लावर फैमिली का है, और काफ़ी छोटा है, तो ऐसे भी आपको बहुत सारे प्लांट मिलेंगे, बहुत छोटे छोटे हैं और पूरे जंगल में फैले हुए हैं। एक प्लांट से कई प्लांट्स यहाँ पर बन जाते हैं। तुलसी के प्लांट तो बस मत पूछिए, हर जगह आपको मिल जाएंगे। ये देखिए ग्रासेस भी है, लेमन ग्रास भी है, तो हर तरह के ग्रासेस भी आपको मिल जाएंगे। ये देखिए वैरायटी देख रहे हैं, कलर देखिए, गाइस ये जो देख रहे हैं आप ये सनफ्लावर का मिनिएचर है, और पूरे एरिया में ये फैला हुआ है, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए
मार रहा है तो बैच पूरी की कर रहा है ना बैच पागल हो गए थे बैच ये देख सनफ्लावर का मिनीचर है पूरे जंगलों में फैला हुआ है ये